फ्रेंड्स, संगीता विश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्ट्रीट फूड की एक मोस्ट पॉपुलर रेसिपी, हनी चिली कॉलीफ्लावर, जो कि यंगस्टर्स की पहली पसंद होती है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हनी चिली कॉलीफ्लावर बनाने के इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। हनी चिली कॉलीफ्लावर बनाने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर, चिली फ्लेक्स, नमक, टोमेटो केचप, मैंने घर का बना हुआ लिया है, और हमें लेना है कैप्सिकम जिसको मैंने मीडियम साइज के टुकड़ों में कट किया है, प्याज को भी मीडियम साइज के टुकड़ों में कट किया है, एक बड़ा चम्मच गार्लिक की पेस्ट, एक बड़ा चम्मच जिंजर की पेस्ट हमें लेनी है, अदरक और लहसुन की पेस्ट, स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट मैंने लिया है, और ये मैंने लिया है घर का बना हुआ रेड चिली सॉस है। टमाटो सॉस और रेड चिली सॉस की रेसिपी आप संगीता विश्वरूप चैनल पर जरूर देखिए। और ये मैंने लिया है हनी, हमें लेना है, और ड्राई ब्रेड क्रम मैंने लिया है, और गोभी के मैंने बड़े साइज के टुकड़े किए हैं, इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है। तेल हमें लेना है और सोया सॉस हमें लेना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ये गर्म पानी करने के लिए रखा है, ये उबला हुआ पानी हम गोभी में डालेंगे, जिससे गोभी थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और जंक फ्री भी हो जाएगी। इस तरह से गोभी के टुकड़ों में हम ये गर्म पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम कॉर्नफ्लोर का बैटर तैयार करेंगे। बहुत से लोग मैदे से भी बैटर तैयार करते हैं, पर जब हम मैदे में डीप कर गोभी को तलते हैं तो उसका टेस्टर कई बार रबर की तरह हो जाता है, इसलिए मैं उसको अवॉइड करने के लिए कॉर्नफ्लोर यूज कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर से हम बैटर बनाएंगे तो एक बहुत ही क्रिस्पी गोभी तली जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको पानी डालकर इसका हम थोड़ा सा घोल तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, इस तरह से मैंने सेमी थिक घोल बनाया है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच घर का बना हुआ ये चिली सॉस है, 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये गोभी में से सारा पानी निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब हम गोभी के फूल लेंगे और इस तरह से कॉर्नफ्लोर की स्लरी में हम डिप करेंगे और डिप करके हम इसको ब्रेड क्रम में हमें इस तरह से अच्छी तरह से उसको कोट करना है ब्रेड क्रम से। आप चाहे तो फ्रेश ब्रेड क्रम भी ले सकते हैं, ज्यादा क्रिस्पी टेक्सचर के लिए मैंने ड्राई ब्रेड क्रम लिया है। और इस तरह से रखते जाएंगे, सारे गोभी के फूल को हम इसी तरह करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने कॉलीफ्लावर को कॉर्नफ्लोर स्लरी में डीप करके और ड्राई ब्रेड क्रम से कोट करके रेडी कर लिया है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम ये गोभी के फूल फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे मीडियम से स्लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक क्रिस्पी करना है एकदम। ये गोल्डन कलर आ गया है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी तरह मैं बाकी के फ्लावर्स भी तलकर रेडी कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारे कॉलीफ्लावर फ्राई होकर रेडी है, अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। फ्रेंड्स, अब सॉस बनाने के लिए मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल गरम किया है, इसमें हम डालते हैं गार्लिक की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच गार्लिक की पेस्ट ली है मैंने, इसको अच्छी तरह से हमें सौते करना है। और साथ में डाल देते हैं जिंजर की पेस्ट, ये भी हमने 1 चम्मच जिंजर की पेस्ट ली है, इसको भी हम अच्छी तरह से सौते करेंगे, प्रोमिनेंट फ्लेवर गार्लिक और जिंजर का होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इंडो चाइनीज रेसिपी है, इसे हम थोड़ा फास्ट फ्लेम पर ही करेंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। और ये हमने अच्छी तरह से
एकदम रेड कलर आने तक सौते कर लिया है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है गार्लिक का। अब हम इसमें डालते हैं 1 कप प्याज और साथ में डाल देंगे 1 कप मैंने कैप्सिकम को मीडियम साइज के टुकड़ों में प्याज और कैप्सिकम दोनों कट किए हैं, सौते कर लेते हैं। थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए सौते कर लिया है, क्रंच ही रखना है। और अब हम इसमें डालते हैं रेड चिली सॉस, मैं घर का बना हुआ रेड चिली सॉस ले रही हूँ। आप संगीता विश्व चैनल पर जरूर इसकी रेसिपी देखिए। और 2 चम्मच मैंने रेड चिली सॉस लिया है प्रोमिनेंट फ्लेवर। और केचप हमें लेना है, केचप भी 2 चम्मच हम लेंगे। साथ में हम लेंगे थोड़ा सोया सॉस 1 छोटा चम्मच, मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, सॉसेस में भी नमक होता है, इस बात को ध्यान में रखना है हमें। और चिली फ्लेक्स डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, 1/2 कप के बराबर पानी डालेंगे हम इसमें। अब ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हनी चिली कॉलीफ्लावर बनाने के लिए, हनी डालेंगे हम 2 चम्मच इसमें हनी डाल रहे हैं। फ्रेंड्स अब मैं इसमें ये थोड़ी पकोड़े की ही कॉर्नफ्लोर स्लरी है जो हमने कॉलीफ्लावर इसमें डिप करके तला है, वही मैं थोड़ी सी स्लरी इसमें डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए 1 छोटा चम्मच। आप जितना पानी डालेंगे उस हिसाब से आप बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर स्लरी डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये कॉलीफ्लावर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन मिक्स करेंगे। बिल्कुल सर्विंग के टाइम पर ही हमें ये कॉलीफ्लावर मिक्स करना है और इसे तुरंत ही सर्व करना है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। फ्रेंड्स ये हमारे टेस्टी और टेंगी हनी चिली कॉलीफ्लावर रेडी है।